हाय फ्रेंड्स, मैं फैयाज। फ्रेंड्स, आज का वीडियो रिनॉल्ट क्यूट पे बनाने जा रहा हूँ। क्यूट की मैं सर्विस करने जा रहा हूँ, तो कि ये सर्विस में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ये सब चीज़ें जो है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, और मेरे चैनल पर है, नए हैं तो नए चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए गाड़ी के पास चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इंजन ऑयल को जो है निकालेंगे, तो मैं लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और गाड़ियों में क्या होता है कि बोल्ट दिए होते हैं टाइट करने वाले, बट इसमें प्लास्टिक का है और ये प्लास से खुलेगा। ये देखिए, ये प्लास से खुलता है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, उसके बाद ऐसे कर दीजिए आप। ये जो है, ये ऑयल गिर गया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑयल ये गिर रहा। जब तक ऑयल ये गिरेगा, तब तक हम ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर इसका निकालते हैं। उसका लोकेशन मैं बता रहा हूँ, ये ऑयल फिल्टर का लोकेशन है। तो ऑयल फिल्टर अभी हम खोलते हैं। ऑयल फिल्टर के लिए ये स्पेशल टूल्स लेना पड़ता है। और ये एयर फिल्टर है इसका। एयर फिल्टर अभी हम चेंज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो है, अब ये देखिए, ये स्पार्क प्लग कॉइल है। तो हम एक 10 नंबर का बोल्ट खोल करके प्लग का पोजीशन देखेंगे क्या है, चेंज करने वाला तो है तो नहीं। फिलहाल अभी गाड़ी 36,000 चली है, तो अभी चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम चेक कर लेंगे इसको। और मैं बता दूं कि ज़्यादातर गाड़ियों में जो है 16 नंबर गुटके लगते हैं, बट इसमें जो है 14 नंबर का लगता है। अब देखें, और ये खोलने के बाद हमें क्या करना है, ये जो कॉइल है इसको फिर से दबा करके अंदर ले जाना है, उसके बाद ये प्लग को अंदर से निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं प्लग सही है, बट हम सारे प्लग इसको खोल करके साफ कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद में ये जो कपलर लगा होता है, इसको लगाना होता है। उसके बाद हमें कूलेंट चेंज करना होगा। देखें, इसमें कूलेंट होता है, तो कूलेंट इसका ख़राब हो गया है। तो हम अभी कूलेंट इसको नीचे से निकाल करके गिराते हैं, अभी दिखाता हूँ। उसके बाद बैटरी का पानी चेक करना पड़ेगा हमें। ये ब्रेक ऑयल है, तो आप देख सकते हैं ब्रेक ऑयल ओके है इसका। तो ब्रेक ऑयल जो है हम नहीं जिसको टॉप अप करेंगे, इसमें टॉप अप करना होता है, ब्रेक ऑयल चेंज नहीं करते हैं। ब्रेक पैड का पोजीशन देखेंगे, तो ब्रेक पैड का पोजीशन क्या है, अभी पहिया खुल रहा। तो ये देखें, पहिया निकल गया बाहर, और ब्रेक पैड आप देख सकते हैं, ब्रेक पैड पूरा है, ये देखिए। तो हम पहिया टाइट कर देंगे, उसके बाद पिछला ब्रेक शू चेक करेंगे कि उसका क्या पोजीशन है, और जो भी डस्ट वगैरह है ड्रम में, पिछले ब्रेक शू में, उसको हम साफ करके तब लगाएंगे। तो ये पिछला पहिया है, और पिछला पहिया हम ये जो है ये निकालेंगे, और ये जो बोल्ट नट देख रहे हैं आप, इसको खोलना है। देखें, ये निकल गया, और ब्रेक शू का भी जो है पोजीशन सही है। अब देखें, ब्रेक शू का पोजीशन सही है, बस ये डस्ट वगैरह है, इसको हम साफ़ कर लेंगे अभी। ये ड्रम में भी सभी ड्रम के भी सफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ब्रेक शू सफाई हो गया और ड्रम हो गया, फिट करते हैं इसको।
टाइट कर दो। इसके बाद हम एसी फिल्टर चेंज करेंगे। तो ये एसी फिल्टर का लोकेशन है, आप देख सकते हैं। तो इसमें एसी फिल्टर नहीं लगा हुआ है, पहले से ही देखिए। तो मैं इसमें नया एसी फिल्टर लगाऊंगा। अब देखें, इसमें एसी फिल्टर नहीं लगा हुआ है, हो सकता कहीं पे सर्विस हुई हो या कुछ दिक्कत आया हो एसी में, तो एसी फिल्टर निकाल दिए हो ये लोग। फ्लो कम आ रहा होगा, चोक होगा, एसी फिल्टर नहीं मिला होगा, जो भी होगा, जो भी हो, बट हम इसमें एसी फिल्टर अभी नया लगाएंगे। ये लग गया, और इसमें देखिए, इसमें जो है ये लॉक में फंस जाता है ये कवर इसका। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑयल सब गिर गया है, और इसमें देखिए इस तरह का चूड़ी बना होता है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें। ये तो एक ही राउंड, इसको दो राउंड टाइट होता है, ज़्यादा नहीं, और खुलता। और ये देखें, ये यहाँ पर आ करके ये बस इतने पे रहेगा। देखिए, इसमें प्ले नहीं है, टाइट करने वाला चूड़ी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा इसको टाइट करते चले जाएं, वैसे नहीं करना है। बस जा करके ये लॉक में यहाँ फंस जाएगा। ये ऑयल फिल्टर है, और इसमें हमने हल्का हल्का ऑयल लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे फिट होगा जो खोला था मैंने। उसके बाद आराम से इसको टाइट कर देंगे थोड़ा। और ये मोबिल है, देखें, 5W30 फुल सेंसिटिव। तो इसको हम डालेंगे अभी, और इसका लोकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे बढ़ता है, और इसी में इसका जो है ऑयल गेज रहता है। और इसमें इंजन ऑयल 2 लीटर 500 ग्राम आता है, यानी 2.5 लीटर। तो 2.5 लीटर के डब्बे तो नहीं आते, 3 लीटर का है, तो हम इसमें जो है 0.5 लीटर बचा लेंगे अभी, और गेज से नाप लेंगे कि फुल आया कि नहीं। इसको बैठाना होता है, इसको थोड़ा बैठाल करके फिर इसको हम खोल लेंगे। खोल करके इसको गेज हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ तक आ गया। ये वाइपर वाला है, वाइपर पानी। तो हम इसमें जो है शैम्पू डाल देंगे, शैम्पू डाल करके पूरा पानी इसमें टॉपअप कर देंगे। सर्विस में ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। इसके बाद कूलेंट, कूलेंट ले, कूलेंट मैंने गिरा दिया था और डाल दिया, और थोड़ा सा बचा हुआ मैं डाल दे रहा हूँ इसमें, फुल है। जा, रेस देना, रेस दो। ये टोटल बॉडी शॉप हो गया। अब हम इसमें एयर फिल्टर टाइट करेंगे। एयर फिल्टर हम टाइट कर रहे हैं, देखें, इसमें नया एयर फिल्टर लगा दिया मैंने, और वो पुराना वाला था। अब देखिए, मैं गाड़ी स्टार्ट कर चुका हूं, और इधर बिलिंग कर रहा है वो पेट्रोल कम है इसमें, इस वजह से। बाकी कोई क्लस्टर पे लाइट नहीं आ रही है, और इसमें कोई सर्विस लाइट रिसेट वाला सिस्टम नहीं होता। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को पता ही होगा कि ये मेरा दूसरा चैनल है फैयाज टेक के नाम से, जो मेरा फाइन मोटर्स फैयाज वाला जो चैनल था वो हैक हो चुका है। तो मैं इसी में वीडियो डालूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।